नेक्स्ट कमेटी हम लोग देखते हैं जी वी के राव कमेटी। जी वी के राव कमेटी 1985 में प्लानिंग कमीशन ने सेटअप की थी। इसके चेयरमैन थे जी वी के राव। दोबारा ध्यान से समझिएगा, जी वी के राव कमेटी 1985 में प्लानिंग कमीशन ने सेटअप की और इसके चेयरमैन थे जी वी के राव, इसीलिए कमेटी का नाम हो गया जी वी के राव कमेटी। अब इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव था टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। मीनिंग समझो इसका, रूरल एरिया के लिए जो भी रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम रन हो रहे थे, उन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किए गए थे, उन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स को रिव्यू करने के लिए कमिटी जो सेटअप की गई वो थी जी वी के राव कमिटी। दोबारा समझो, रूरल एरिया के अंदर जो भी रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम रन हो रहे थे, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट को रिव्यू करने के लिए जी वी के राव कमेटी सेटअप की गई। ठीक, अब ये कमेटी किस कंक्लूजन में पहुंची? इस कमेटी ने जो कंक्लूजन निकाला वो ये था कि डेवलपमेंटल प्रोसेस का ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो चुका है। डेवलपमेंटल प्रोसेस का ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो चुका है। जो डेवलपमेंटल प्रोसेस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को परफॉर्म करने थे, वो डेवलपमेंटल प्रोसेस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से दूर चले गए हैं, यानी कि वो फंक्शंस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और डेवलपमेंटल प्रोसेस का ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो चुका है। और ये ब्यूरोक्रेटाइजेशन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट है। दोबारा समझो, कमिटी किस कंक्लूजन पे पहुंची कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसका ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो चुका है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जिनको ये डेवलपमेंटल प्रोसेस परफॉर्म करना था, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास इन डेवलपमेंटल प्रोसेस को परफॉर्म करने की पावर नहीं है और धीरे 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 डेवलपमेंटल प्रोसेस पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जा चुका है। और ये जो काम हुआ, यानी कि डेवलपमेंटल प्रोसेस का ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइजेशन किस स्पिरिट के अगेंस्ट है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट है। ठीक है, अब इस कमिटी की जो मेजर रिकमेंडेशंस थी, इनकी मेजर रिकमेंडेशंस में फर्स्ट रिकमेंडेशन है कि जो जिला परिषद है, जिला परिषद डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए पेवट की तरह काम करता है, यानी कि जो मेन सेंटर रहेगा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का वो रहेगा जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट क्या होगा? यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग और डेवलपमेंटल प्रोग्राम प्रिपेयर किए जाएंगे। इसके बाद जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होंगे उन सब की जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट बॉडी होगी वो जिला परिषद होगी। अब दूसरी जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि जो पंचायत है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो या लोअर लेवल पर हो, जितने भी रूरल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं उन सभी को डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत और लोअर लेवल की पंचायत मॉनिटर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी वो ये थी, स्टेट लेवल पर, यानी कि एक होता हमारा यूनियन लेवल, फिर आ गया स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पर कुछ प्लानिंग्स के फंक्शन, जो प्लानिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग यूनिट्स के पास ट्रांसफर कर दिए गए, यानी कि स्टेट लेवल पर जो प्लानिंग के फंक्शन हैं, उनमें से कुछ फंक्शंस को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग यूनिट्स को ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि
इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए, इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए, किसका इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का। ठीक है, दोबारा समझो, स्टेट लेवल पर कुछ प्लानिंग के फंक्शंस, यानी कि कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्लानिंग स्टेट लेवल पे होती है, वो प्लानिंग करने का राइट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग यूनिट्स को ट्रांसफर कर दिया जाए। किस लिए कर दिया जाए, ताकि इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, किस चीज का, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट की जाए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट की जाए। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा किसका, जिला परिषद का। जिला परिषद का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। और ये नई पोस्ट क्रिएट की जाए, और ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी का इंचार्ज होगा। इसके बाद कलेक्टर क्या होगा, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोऑर्डिनेटर की तरह काम करेगा। कलेक्टर क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोऑर्डिनेटर की तरह काम करेगा। किस मैटर में, डेवलपमेंटल और प्लानिंग के मैटर्स में, जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इसके अलावा ये जो आपका जी वी के राव कमिटी है, इसने फाइंड आउट किया था कि 11 स्टेट्स इस तरीके की थी जहां किसी ना किसी लेवल पर, यानी अगर हमारे 3 tier चल रहा है, 2 tier चल रहा है, 4 tier चल रहा है, जो भी tier चल रहा है, किसी ना किसी लेवल पर इलेक्शन पेंडिंग पड़े हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि इलेक्शन रेगुलरली होने चाहिए। इलेक्शन कैसे होने चाहिए, रेगुलरली इलेक्शन होने चाहिए। तो ये थी जी वी के राव कमिटी की मेजर मेजर रिकमेंडेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं।